This conference will now be recorded. क्वेश्चन नंबर वन, इसमें जरा ध्यान से चीजें देखनी है। सबसे पहले ये थोड़ा सिनेरियो टाइप भी है, इसकी ए रिक्वायरमेंट है, फॉर ईच ऑफ द अबव प्रॉपर्टी ब्रीफली स्टेट हाउ इट वुड बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विक्टोरिया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 8. Identify any impact on the profit and loss account. दूसरे लफ्जों में हमसे extract type चीज पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है? Extract type. जी अब कहते हैं कि ऊपर आपको तीन properties given है, हर सवाल का आंसर अपने अंदाज में देंगे। कहते हैं इन तीनों प्रॉपर्टीज में आपने बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको हम किस नाम से प्रेजेंट करेंगे। क्या हम इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखेंगे, क्या इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या इसको इन्वेंटरी लिखेंगे, ये वो बात पूछना चाह रहे हैं। तो सवाल करते हैं और जो सवाल हमने करना है बाद में भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। विक्टोरिया ऑन सेवरल प्रॉपर्टीज एंड हैज ईयर एंड 31 दिसंबर वेयर एवर पॉसिबल विक्टोरिया कैरीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। कहता जहां पॉसिबल होगा ना वो फेयर वैल्यू मॉडल पर रखेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आप में से कोई बता सकता है कि क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि फेयर वैल्यू मॉडल ना रख सके? एनीवन? फेयर मार्केट उसकी ना हो एसेट की या अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल सही कहा, बस अब खामोश हो जाएं। अगर फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल तब भी हमने इसको किस पे रखना है? कॉस्ट मॉडल पे। और अगर एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो तब भी फेयर वैल्यू पे हम नहीं रखते। तो इसका मतलब है इसके अलावा, इसके अलावा अगर कोई इश्यू यानी है ऐसे तो उसको हम, अगर है भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हमने उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा। पहली प्रॉपर्टी के बारे में आ जाएं। कहता है प्रॉपर्टी वन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी ईयर वन। हम ईयर 8 में है ये याद रखें। इट हैड अ कॉस्ट ऑफ ₹1 मिलियन कंप्राइजिंग ₹500,000 फॉर लैंड एंड ₹500,000 फॉर बिल्डिंग। The building have a useful life 40 years. Victoria uses the property as its head office. मुझे बताओ ये property plant and equipment है या investment property है? Property plant and equipment. ये IS-16 है, property plant and equipment है। हमने year 8 के बारे में बताना है। पेपर में अगर आपके पास आ जाए तो हम सब प्रॉपर्टी को अलग अलग भी बता सकते हैं, सब प्रॉपर्टी को एक तरह से भी बता सकते हैं। उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर हम बात करेंगे सिर्फ 2008 की बातें बतानी है हमने, सिर्फ 2008 की। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने पेपर में पूरा लिखना है एज एट 31 दिसंबर ईयर 8। हमने एक हेडिंग देनी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की और यहां पर लिख लेते हैं प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन की कॉस्ट लिखेंगे या लैंड एंड बिल्डिंग भी आप लिख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग, और लेस कर देंगे उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जनाब उस एसेट की कॉस्ट हमारे पास कितनी थी भला? 1 मिलियन रुपीज एंड 1000 कर लेते हैं तो कॉस्ट उसकी 1000 लिख लेते हैं।
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी मेरे भाई? हम लोगों ने 500,000 को डेप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि वो लैंड की वैल्यू है। जो बिल्डिंग की 500 है ना, उसको डेप्रिशिएट कर लेते हैं ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट, 8 सालों के लिए, क्योंकि 8वें साल की भी डेप्रिसिएशन हमने लेनी है। तो 500 डिवाइडेड बाय 40 कितना आंसर आ गया? 500 को 40 पे डिवाइड किया, कितना आंसर आ रहा है? 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 8। 8 सालों की डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट करनी है ना, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 100। लो जनाब, प्रॉपर्टी वन हमारे पास 900 से आ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि डेप्रिशिएट सिर्फ बिल्डिंग होगी। साथ उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट भी पूछी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिखेंगे, अदर एक्सपेंस की हेडिंग देंगे, और अदर एक्सपेंस की हेडिंग लेके डेप्रिसिएशन और लिख देंगे प्रॉपर्टी वन। जी कितनी अमाउंट आएगी, 100 या 12.5? 100 आनी चाहिए या 12.5 आनी चाहिए? 12.5 आएगी, क्योंकि 8वें साल की डेप्रिसिएशन 12.5 है। 12.5 डेप्रिसिएशन 12.5 है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वहां पर नहीं लिखनी होती, बल्कि एक साल की लिखनी होती। लो जनाब, प्रॉपर्टी वन का आंसर पूरा हो गया, प्रॉपर्टी वन का आंसर हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू पे आते हैं। प्रॉपर्टी टू वॉज एक्वायर्ड मैनी ईयर्स अगो फॉर ₹1.5 मिलियन फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। कहते हैं बहुत साल पहले हमने 1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी थी, किस पर्पस के लिए? कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए। ऑन 31 दिसंबर ईयर 7, दो यानी ईयर 7 के एंड पे, इट हैड अ फेयर वैल्यू इज 2.3 मिलियन। 2007 के एंड पे या ईयर 7 के एंड पे उसकी वैल्यू थी 2.3 मिलियन। ईयर 8 के एंड पे उसकी वैल्यू थी 2.7 मिलियन। दिस प्रॉपर्टी हैज अ फेयर वैल्यू, लाइफ इज 40 इयर्स। पहली बात आप बताएंगे मुझे, ये IS-16 है या IS-40 है? ये प्रॉपर्टी टू जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। डन। अब इसको लिखेंगे भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, जरा सामने आओ, हम यहां पर हेडिंग भी देंगे। अब पीपीई की हेडिंग नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हेडिंग आएगी। होगा ये नॉन करंट एसेट का हिस्सा, ऊपर इसकी जो हेडिंग होगी, जो मेन हेडिंग है वो नॉन करंट एसेट ही है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी टू। अब मैं एक वैल्यू लिखने लगा हूं, देखते हैं किसको समझ लगती है। 2.7 मिलियन मतलब 2700। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मैंने 2.7 मिलियन लिख दिया बगैर कोई सोचे समझे। यस सर, इसकी को ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू होगी वो लिखते हैं। बिल्कुल साल एंड पे ये देखना है कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है, बस। डन होगी बात।
अब एक और बात भी आपने बतानी है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई चीज जाएगी या नहीं? फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू गेन गेन खामोश हो जाए। फेयर वैल्यू गेन 0.4 मिलियन से, क्योंकि साल के शुरू में माइक ना फौरन बंद कर दिया करें ताकि चीजें वो शोर ना आए। साल के शुरू में फेयर वैल्यू थी 2.3 मिलियन, साल के एंड में 2.7 मिलियन, और सवाल के अंदर उसने कहा था कि अगर पॉसिबल फेयर वैल्यू मॉडल रखना, डन होगी बात। तो जनाब यहां पर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहे हैं, अदर इनकम का हेड बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे फेयर वैल्यू गेन, और किसका गेन है? प्रॉपर्टी टू का। यहां पर अगर ऊपर ये 000 में लिखेंगे तो ये 12,500 आ जाएगा, या 12.5 भी आएगा, 000 में 12.5 ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 400, 0.4 मिलियन है ना। दानों की बात चलें जनाब। लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी, ये जरा ध्यान से आपने बताना है। प्रॉपर्टी थ्री वाज एक्वायर्ड ऑन 30th June ईयर 2 फॉर पीस 2 मिलियन फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। यहां तक बताएं ये क्या चीज है, सिर्फ यहां तक 40 है। द डायरेक्टर्स बिलीव दैट द फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाज 3 मिलियन ऑन 31st December ईयर 7 एंड 3.5 मिलियन ऑन 31st December ईयर 8। However, due to specialized nature of this property, these figures cannot be carburated. मुझे बताया कार्बोरेटेड का मतलब क्या होता है? आप लोगों की ज्यादातर लोगों की अंग्रेजी एग्जाम्प्ट होती है। हाँ जी, नॉट रिलायबल कुछ लोग कह रहे हैं, सही मीनिंग क्या है इसका? सही मीनिंग और उसकी एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच सका। इसका सही मतलब जो होता है ना कि उसकी प्रॉपर रिलायबल स्टेटमेंट नहीं है, इसकी प्रॉपर रिलायबल स्टेटमेंट नहीं है। कैन नॉट बी कॉर्पोरेटेड, कॉर्पोरेटेड का लफ्जी मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन। कार्बोरेटेड का लफ्जी मतलब क्या है? वेरिफिकेशन। कुछ लोग गूगल पे सर्च करके मतलब बता रहे हैं तस्दीक। इसका मतलब कैन नॉट बी वेरीफाइड। है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और अगर पॉसिबल है तो हम इसको फेयर वैल्यू पे रखेंगे। डायरेक्टर कह भी रहा है फेयर वैल्यू है ये, लेकिन वो कहते हैं कि वो वेरीफाइड नहीं है, इसका मतलब है ये रिलायबल नहीं है। तो है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हम इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं लिख सकते, बल्कि किस पे लिखेंगे? कॉस्ट मॉडल पे। हेडिंग किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हेडिंग में आएगा। किस हेडिंग में आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हेडिंग में आएगा, बट हम इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं लिख सकते, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल की एक एक्सेप्शन है कि अगर फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल तो हम उसको कॉस्ट मॉडल पे लिखें, और कॉस्ट मॉडल पे लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन भी आएगी। अगर कॉस्ट मॉडल पे लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन भी आएगी ऑब्वियसली। तो जनाब इसकी डेप्रिसिएशन मुझे फाइंड करके दे दें, 50 साल उसकी लाइफ है,
और 2 मिलियन है तो मतलब 2000 हमने 000 में ले रहे हैं ना, डन होगी बात। तो जनाब इसकी वैल्यू मुझे कोई बता दे, वैल्यू आप खुद ही फाइंड कर लेना, मैं सिर्फ अगले नेक्स्ट पे कहते हैं प्रोड्यूस एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ईयर एंड दिसंबर शोइंग ईच ऑफ द अबव, ये तो हम कर ही नहीं, वो कहता है सबको अपने अलग अलग लिखना। अब जरा इसका मैं आपको सोल्यूशन एक नजर दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को वो जो एक कॉन्फिडेंस वाली चीजें हैं। जी कोई बंदा सवाल पूछना चाह रहा है वैसे, मुझे लगता है इसमें इस असाइनमेंट में सॉल्यूशन इस फाइल में नहीं है। इस फाइल में सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन भेज दे मैं आपको अलग से ही सेंड करूंगा। कुछ लोग IS-33 के भी सॉल्यूशन मांग रहे हैं तो IS-33 के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन अभी आप लोगों ना ये क्वेश्चन पूरा किया करें, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक है, इसकी टेंशन ना लिया करें कि आप कंफर्म करने के लिए जी हमें सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, कंफर्म आई कैप कर देगा, वो टेंशन ना लें, ठीक है। आप सवाल एक दफा पूरे करें, ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। चैलेंज ना तीसरे ही, आप मुझे तीसरा साल भी कंप्लीट कर देते हैं हम, ये किस हेड में आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हेड में आएगा या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हेड में आएगा। प्रॉपर्टी जो 3 है वो किस आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हेड में, तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टी 3, और वो प्रॉपर्टी 3 लिखेंगे, कॉस्ट भी उसकी लिखेंगे, लेस कर देंगे उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट उसकी है जनाब 2 मिलियन, कितना डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, ईयर 2 के जून में खरीदा था, 6 महीने ईयर 2 के, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल जनाब 6.5 साल आ रहे हैं। 2000 को 50 पे डिवाइड करो तो कितना आता है, 2000 को 50 पे डिवाइड करो तो 40, और 40 को 6.5 से मल्टीप्लाई करना है, 40 को 6.5 से मल्टीप्लाई करना है 260, इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 1740। और साथ ही जनाब यहां पर इसकी डेप्रिसिएशन आएगी प्रॉपर्टी 3 की 40, 1 साल की डेप्रिसिएशन पूरे साल की। लो जनाब ये सवाल हमारा हो गया पूरा। अभी आज हमारा जो मेन टारगेट है, हमने इसको 2 से 3 दिन इसके ऊपर लगाने हैं IS-40 के ऊपर। हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि पहचान करना कि कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और कौन सी PPE है और कौन सी इन्वेंट्री है, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसका बी पार्ट बताएं हमें, इसका बी पार्ट सुन लीजिए। वो कहता है प्रोड्यूस एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सिर्फ बताना है कि हर प्रॉपर्टी के बारे में कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों है और ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्यों है। तो प्रॉपर्टी 1 के बारे में कह देंगे, प्रॉपर्टी 1 इज ऑन यूज्ड एसेट, इट इज क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बाकी दोनों कैपिटल एप्रिसिएशन है, उसके बारे में हमने लिखना है कि ये कैपिटल एप्रिसिएशन है और लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है, तो इसलिए इसको हमने किस में लिखना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी 3 क्योंकि फेयर वैल्यू रिलायबल, इसलिए हम इसको कॉस्ट मॉडल पे लिख रहे हैं।
गॉट इट सर? एक बार कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में बता दें काइंडली, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। कैपिटल एप्रिसिएशन या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल का मतलब है आपने कोई लैंड खरीदी और उस लैंड को आपने बेचने के पर्पस के लिए या सेल परचेज नहीं करते, ना आपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल करनी है, बल्कि आप ये चाह रहे हो कि जब उसकी कीमत बढ़ेगी कल को, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तब आप उसको बेचेंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आपने कोई लैंड या बिल्डिंग ली हुई है। अक्सर लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और उसको उस वक्त तक नहीं बेचते जब तक यानी उनके वैल्यू के बढ़ने का इंतजार करते हैं। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर टू पे आए जरा। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और ये क्योंकि पहले मैंने आपको ये, अब हमारी तैयारी शुरू हो गई है तो मैं आपको काम भी दिया करूंगा, अगले दिन फिर उसको डिस्कस करेंगे। एक्स वाई जी इनकॉर्पोरेशन एंड इट्स सब्सिडरीज हैव प्रोवाइडेड यू देयर आईएफआरएस स्पेशलिस्ट एज अ लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज दे ऑन। पहले लैंड, पहले हम ना रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कहते हैं एडवाइज एक्स वाई इनकॉर्पोरेशन एंड इट्स सब्सिडरीज एज टू विच ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रॉपर्टीज वुड क्वालिफाई अंडर आईएस 40 एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। If they do not qualify, how should they treated under IFRS? कहता फिर वो किधर लिखे उसको, ये भी बताना है। चार चीजें हैं और चारों के बारे में हमने बताना है। हाँ जी, रेडी? सबसे पहली चीज, लैंड हेल्ड बाय एक्स वाई जी इनकॉर्पोरेशन अंडर डिटरमाइंड फ्यूचर यूज, बताओ ये किस प्रॉप हेड में आएगा, आईएस 40, आईएस 16, आईएस 2? आईएस 16। ठीक है, 16। आप माइक ऑन ना किया करो प्लीज, आप मैसेज करके आंसर किया करो, आपके माइक से शोर बहुत आता है। जी जनाब, कुछ लोग अंडर आईएस 16 कह रहे हैं, कुछ अंडर आईएस 40 कह रहे हैं। पहली बात, ये लैंड है और लैंड के यूज का बात अभी क्लियर नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर लैंड हो और उसका अभी पर्पस डिफाइन ना हो तो वो आईएस 40 होता है, याद आया या नहीं? लैंड हो, बिल्डिंग की बात नहीं है, लैंड की बात है, और उसका फ्यूचर यूज अनडिटरमिन हो तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लिखते हैं। डन, अगली बात पे आ जाएं। ये अच्छा, कुछ लोग दो तीन चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बताता हूं अभी। बी में आ जाएं, अ वैकेंट बिल्डिंग ओन्ड बाय एक्स वाई जी इनकॉर्पोरेशन, एक खाली बिल्डिंग पड़ी है, एंड टू बी लीज्ड आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज, है खाली अभी पड़ी है लेकिन आप उसको ऑपरेटिंग लीज पर देने के लिए खाली रखा हुआ है, तो जनाब ये भी आईएस 40 है। मतलब कि जब भी कोई बिल्डिंग इस पर्पस के लिए पड़ी है कि आपने उसको रेंट आउट करना है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल करना है तो वो भी आईएस 40 ही होगा। थर्ड, सी, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ सब्सिडरी, अ रियल एस्टेट फर्म, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, वो कहता है कि वो रियल एस्टेट फर्म है और उसका काम ही यही है, तो जनाब ये आईएस 2 में आएगा और आप कहोगे कि इसको वो स्टॉक के अंदर मेजर करेगा। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? प्रॉपर्टी विच इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, ऑर्डिनरी
कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री अंडर IAS 2। कहता है वो प्रॉपर्टी जिसका आपका रूटीन का काम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो आप लोग इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज करोगे अंडर IAS 2। वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर IAS 40 नहीं है। गॉट इट? लो जनाब, लास्ट वन इज प्रॉपर्टी हेल्ड बाय XYZ फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। अ प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड अंडर प्रोडक्शन पर्पस क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर IAS 16। लो जनाब, क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी which is used for production process, production purpose, ये उसकी definition है PPE की, classified as property, plant and equipment under IAS 16। clear होगी बात? लो जनाब, क्योंकि हमने सवाल इसके प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने आपको ये दो सवाल करवाए हैं। तो कल इस क्लास से शुरू होने से पहले मेरे भाई आपने इसके ये आगे MCQs भी गिवन है, आपने ये MCQs तक करने हैं काम काज, यानी अपनी जो असाइनमेंट है उसके 4 क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं 1 से लेकर दोबारा। कोई बात ना समझ लगे, कोई बात अगर ना समझ लगे तो पीछे आपने असाइनमेंट देखनी है, फिर भी बात ना समझे तो कल आपने फिर क्लास में मुझसे पूछना है कि सर इसका क्या करना है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम मजीद ये सवाल करेंगे और आप अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल जबरदस्त तैयार हो जाए। ओके जी, सर क्वेश्चन नंबर 1 का वो ज़ूम आउट कर दें सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर ये 1 है। आपने कोई एक्स्ट्रा तैयारी करने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट जो बताया बस वही करना है। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।